सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 मई 2019 को एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूं और इस बार एक नए प्रकार के मामले को लेकर। और ये नया प्रकार का मामला ये है कि एक टर्मिनोलॉजी है, जीरो FIR, शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इस बार आपसे इस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरे साथ दी संडे पोस्ट से जुड़े रहे रवि जोशी हैं, जो इस समय बिल्कुल नए प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं और ये इंटरनेट के जरिए इस समय रत्नों की दुनिया, जेम्स एंड ज्वेलरी की दुनिया में आ गए हैं और बड़ा अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक कल्पना है, संकल्पना है कि वो कहते हैं कि उद्यमी बनिए, रोज़गार मांगिए नहीं, रोज़गार पैदा कीजिए, तो रवि उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो रवि, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको जीरो FIR के बारे में बताने से पूर्व 2017 में जब प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई थी, वहाँ से अपना प्रसंग शुरू करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से आते हैं तो उनके प्रति एक प्रकार का मोह भी हम जैसे उनको सबको होता है। हालांकि हम ये कहते हैं कि राष्ट्र क्षेत्रीयवाद होना, रीजनलिज्म होना अच्छी बात नहीं है और ये सच बात भी है, मैं मानता हूँ, मगर फिर भी कहीं दिल के कोने से अच्छा सा लगता है, खूक सी उठती है कि अपने प्रदेश का एक व्यक्ति, बहुत ही हम्बल बिगनिंग से शुरू हुआ एक व्यक्ति, आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के सबसे शक्तिशाली पद में बैठा है। तो योगी जी ने आने के साथ ही सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं जो बताई थी उनमें एक था लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। और आप कह सकते हैं कि इस समय पिछले 2 सालों से कानून और व्यवस्था की स्थिति इस दृष्टि से अच्छी भी है कि रोज़ जो लूटपाट और रेप और इनकी हत्या की घटनाएं थी, इनमें थोड़ा कमी आती हुई नज़र आई है। अब मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सपा के शासन के दौरान ज़्यादा स्थिति अच्छी थी या रेप यानी बलात्कार और लूट, हत्या, डकैती ये सब कम होते थे या नहीं होते थे। मगर मैं जिस मुद्दे पर अभी आना चाहता हूँ वो ये कि योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही प्रशासन के पेंच कसे थे और उन्होंने यह हिदायत जारी की थी कि किसी प्रकार की भी जो थाना स्तर पर जो घटनाएं होती हैं, FIR दर्ज नहीं होती हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस पर मेरी आज का एक चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं और वस्तु स्थिति से अवगत कराने जा रहा हूं। तो किस्सा कहां से शुरू होता है? किस्सा शुरू होता है हमारे रवि जोशी साहब से। रवि जोशी साहब लखनऊ में इस समय हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं और वहाँ से वो अपना वेब पोर्टल का बिज़नेस चलाते हैं। इससे पहले रवि जोशी जो थे वो दिल्ली में एक कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी का नाम है मित्रों एस्ट्रो वेंचर्स, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और इसमें रवि जोशी एज अ वेब प्रमोटर या डेवलपर क्या कहते हैं उसमें काम करते थे। और मई 2018 में, यानी कि 1 वर्ष पूर्व लगभग, इन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी और यहीं से उनके साथ एक चीटिंग का एक मामला शुरू होता है जिसकी जानकारी उनको अभी पिछले 15 दिनों पहले लगी। चीटिंग ये हुई कि इस कंपनी के जो मालिकान हैं एस्ट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के, इनका नाम है जय पोडियाल, जिनके साथ रवि जोशी काम करते थे। जय पोडियाल साहब ने रवि जोशी जब नौकरी छोड़ के चले गए, उसके बाद जय पोडियाल साहब की कंपनी में इनका एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड डिलीवर होता है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड इसे कहते हैं, यानी कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रेडिट कार्ड स्पेशली बनवाती हैं। ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड होता है एम्प्लॉय के नाम ही है, मगर वो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए कंपनी से रिलेटेड कामकाज के लिए पैसा खर्च करता है और या तो कंपनी उसका भुगतान करती है, अमूमन कंपनी ही भुगतान करती है क्योंकि इसमें ये अपेक्षा की जाती है कर्मचारी से वो अपने निजी कामों के लिए इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करेगा। और इसीलिए जब बैंक इस क्रेडिट कार्ड को देता है तो वो अपना डायरेक्टर का भी उसमें सिग्नेचर लेते हैं बकायदा। जी, ये एक नई जानकारी इन्होंने दी, जरा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा श्रीमान। तो साहब ये कह रहे हैं, रवि जोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, चूँकि मैं इनका बड़ा भाई भी हूँ और मित्र भी हूँ, इन्होंने मुझसे कहा कि इसी महीने इन्होंने मुझे सूचित किया कि मई 2019 की शुरुआत में इनके पास ICICI बैंक के रिकवरी विभाग से एक फ़ोन आया और उन्होंने इनसे एक क्रेडिट कार्ड संख्या बताई 41020200038349004,
और जिसमें इनको बताया गया कि इसकी बकाया राशि 50,577 रुपये है, जिसका आप भुगतान कीजिए क्योंकि आपने भुगतान करना बंद कर दिया है। रवि जोशी ने बताया कि आज से पहले इन्होंने इस कार्ड के बारे में ना तो सुना था ना ही इन्होंने भुगतान किया था। जब इन्होंने ये बात बैंक के कर्मचारी या रिकवरी एजेंट जिसको भी बताई तो उन्होंने कहा कि यह कार्ड आपके यानी रवि ओम जोशी के नाम से पहचान पत्र देकर बनाया गया है। बैंक के कर्मचारी ने इस कार्ड के बारे में जो जानकारी दी उसके अनुसार यह एस्ट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को ICICI बैंक द्वारा दिया गया बिजनेस क्रेडिट कार्ड है जो कंपनी ने इनके नाम से लिया था। ये कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही ये बिजनेस करती थी और रवि दिल्ली में ही थे। इस प्रकार के कार्ड प्रायः कंपनी उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें कंपनी के कार्य करने के लिए कहीं भुगतान की आवश्यकता होती है, अतः इस कार्ड द्वारा खर्च की गई राशि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी कंपनी की होती है। बैंक कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्ड 28 जून यानी कि रवि जोशी मई में कंपनी छोड़ चुके थे और जून में एक महीने बाद 28 जून को एस्ट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन कार्यालय FD1 प्रीतमपुरा नई दिल्ली में डिलीवर हुआ। और चूंकि कंपनी ने इनको इनकी सेवाओं से पहले ही हटा दिया था इसलिए यह कार्ड किसी अन्य व्यक्ति ने ले लिया होगा, ऐसा इनका एजम्पशन है। इन्होंने ये जानने का प्रयास किया रिकवरी एजेंट से या ICICI बैंक के मुलाजिम से कि मुझे POD दी जाए कि कार्ड किसने रिसीव किया, तो बैंक ने साहब POD देने से मना कर दिया। मुझे लगता है ये बैंक के रिकवरी एजेंट होंगे, काइंड ऑफ गून्स होते हैं ये लोग, धमकाते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि डरा धमका कर बैंक का पैसा ले लिया जाए। अब साहब ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई, इसमें पूर्ण तथ्य हैं जो रवि जोशी के पास हैं कि ये कंपनी छोड़ चुके थे, इनके पास मई के बाद से कोई सैलरी नहीं आई और ये इस कार्ड की भुगतान, इस पेमेंट्स का भुगतान काफ़ी अरसे तक लगातार होता रहा जो निश्चित तौर पर एस्ट्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड या उसके मालिकान करते होंगे। अब साहब क्या हुआ, इन्होंने हमको फ़ोन किया और कहा कि साहब मैं सर इस बारे में जानकारी चाहता हूँ क्योंकि मुझे बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा साहब योगी जी का शासन है, भय मुक्त सरकार है, आपके पास पुलिस के पास जाने का एक ऑप्शन है, आप पुलिस में जाइए और FIR दर्ज कराइए। तो ये साहब पहुँचे थाने में। अब इनकी बात आप इसके बाद सुनिएगा, ये कौन से थाने पहुँचे थे आप? गोमती नगर थाने पहुँचे और वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर थाना अध्यक्ष साहब से इन्होंने मुलाकात करी, इंस्पेक्टर सोनकर हैं उनसे इन्होंने मुलाकात करी। तो वो सोनकर साहब ने इनको जैसा कि ये बताते हैं कि इनको जानकारी दी कि भाई ये तो दिल्ली का मामला है, आप दिल्ली में दर्ज कराइए। तो ये साहब बैरंग वापस लौट आए। अब ये लौट कर आए तो उन्होंने मुझे पुनः फ़ोन किया। अब समस्या यह है कि मित्रों अपने पास भी कुछ काम तो ज़्यादा है नहीं, पढ़ने लिखने का ही काम करते हैं। तो हमने इनको तुरंत ज्ञान दे डाला कि 0 FIR कराइए, उच्चतम न्यायालय के कड़े आदेश हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कई एडवाइजरीज हैं जिसके अंतर्गत आप 0 FIR करा सकते हैं। तो साहब ये 0 FIR करने पहुँचे थाने में, तो 0 FIR तो हुई नहीं, थाने के एक व्यक्ति ने इनको ज्ञान दे दिया कि ये 0 FIR होती क्या है। इस पर उन्होंने रादर इनसे उल्टा प्रश्न किया कि आप पत्रकार हो, 0 FIR के बारे में कैसे जानते हो, पत्रकारिता में क्या ये भी पढ़ाया जाता है। मगर ये बात की बात थी। इससे पहले हमने इनसे कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में जिसका नाम जनहित याचिका पोर्टल है उसमें कंप्लेंट डालिए। और ऐसा मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर कहा, मैंने 2 बार इस पर कंप्लेंट्स डाली हैं, जबकि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोर्टल में कंप्लेंट डाली और एक बार हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी के पोर्टल में कंप्लेंट डाली जो शिकायत PMO का शिकायत पोर्टल है। दोनों बार ही त्वरित कार्रवाई हुई और हमको न्याय मिला। तो मेरा अनुभव था क्योंकि बरेली के बारादरी थाने में एक झूठी FIR बरेली के ही एक पूर्व हिस्ट्री शीटर ने हमारे और हमारे संवाददाता दिग्दर्शन रावत के खिलाफ करा दी थी। तो हमने जब उसकी कंप्लेंट UP चीफ मिनिस्टर के पोर्टल में डाली तो तत्काल कार्रवाई हुई, सेकंड्स में कार्रवाई हुई और नेक्स्ट डे ही मामला SSP बरेली के पास पहुंच गया था और हमको न्याय मिला। तो हमने इनको यही राय दे डाली। अब साहब इन्होंने जब अपनी बात को रखा और ये सजेशन भी दिया कि 0 FIR मेरी कराने के आदेश दिए जाएँ, मेरी 0 FIR हो, तो वो ये बताते हैं शाम तक ही संबंधित थाने को पहुँच गया, संबंधित मुख्यमंत्री के पोर्टल से पहुँच गया और उस पोर्टल में के थ्रू जो गोमती नगर पुलिस को निर्देशित किया गया तो गोमती नगर पुलिस ने उसकी त्वरित कार्रवाई भी कर दी, त्वरित कार्रवाई करी, इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स किया है? इन्होंने ये रिपोर्ट आगे अग्रसारित कर दी
ये सीएम पोर्टल को अग्रसारित होती है, ये अपने वरिष्ठ को ये मैं नहीं जानता, मगर ये रिपोर्ट हमारे पास है, इसमें ये लिख रहे हैं गोमती नगर थाने के कोई राजेश कुमार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या कौन है मालूम नहीं, ये लिख रहे हैं कि महोदय निवेदन है कि आवेदक रवि ओम जोशी से टेलीफोन से वार्ता करके उन्हें बताया कि हमारा प्रकरण दिल्ली से संबंधित है। इस संबंध में आवेदक रवि ओम जोशी को हिदायत दी गई कि आप संबंधित थाना दिल्ली के पास अपनी FIR दर्ज कराएं। ये देखिए रिपोर्ट है, ये आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से बाद में इसकी स्कैन करके भी हम लगाएंगे। इसमें हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो कि गोमती नगर पुलिस का काम नहीं था। गोमती नगर पुलिस का एक काम क्यों नहीं था, वो सलाह दे सकते थे, हिदायत नहीं, मगर चूंकि पुलिस की भाषा है तो साहब उनके पास हर अधिकार है। तो मित्रों मैं अब जीरो FIR के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप भी ये बात समझ सकें कि हमारे देश का कानून और हमारे देश की शीर्ष न्याय व्यवस्था न्यायालय ने जीरो FIR के लिए क्या निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट अपनी डायरेक्शंस में ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो भी संज्ञेय अपराध हो, कॉन्जिनेबल ऑफेंस हो, यानी कि जिसमें चीटिंग के केस भी आते हैं, फोर्जरी के केस भी आते हैं, रेप भी आता है, मर्डर भी आता है, इसमें किस देश के किसी भी हिस्से पर पीड़ित व्यक्ति अपनी FIR दर्ज करा सकता है। इसमें देखिए मेरे हाथ में 6 फरवरी 2014 का एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये लिखा गया है, और ये सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह को भेजा गया है। तो ये जो आदेश है, ये आदेश जो डायरेक्शंस दिए गए हैं सब राज्यों को, उसमें क्या लिखा है होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री कहती है, दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर एडवाइजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेटेड 10/5/2013 रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन एंड जीरो FIR। वी हैड मेड इट क्लियर डेट एज पर सेक्शन 154(1) ऑफ द CRPC A police officer is duty bound to register a case on the basis of such information disclosing a cognizable offence. We had also made it clear that when it becomes apparent that even if the offence has been committed outside the jurisdiction of the police station, zero FIR would still be registered and the FIR would be then transferred to the appropriate police station as per section 170 of the CRPC. यानी कि 154 CRPC 154 CRPC भारतीय दंड संहिता की धारा बड़ा स्पष्ट कहती है कि SHO कंसर्न, जो कि इनके केस में गोमती नगर के SHO सोनकर साहब थे, उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, ये उनका दायित्व है कि वो जीरो FIR रजिस्टर करें। ये होम मिनिस्ट्री का क्लियर डायरेक्शन 2013 में था और 6 फरवरी 2014 को पुनः दोहराया गया कि अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो उसकी FIR, जीरो FIR आप रजिस्टर करेंगे, और उसको अगर वो प्रीतमपुरा दिल्ली का मामला था तो दिल्ली को रेफ़र कर देंगे, जैसे कि पीड़ित को परेशानी ना हो, धक्का ना खाना पड़े। आज देखिए नोएडा में आए हुए हैं बेचारे, ये बताने कि साहब कौन से थाने में जाकर FIR कराऊं, तो मैंने इनको सुझाव दिया कि चलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि उनके राज्य की पुलिस, हमारे राज्य की पुलिस जीरो FIR पर यकीन नहीं करती है। अब देखिए इसके साथ ही मेरे पास 12 अक्टूबर 2015 का एक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सारे भारत के सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया एक पत्र है, एक एडवाइजरी है, जिसमें वो लिख रहे हैं नो डिस्क्रिमिनेशन इन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि FIR के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और इसमें वो अपने पुराने जो एडवाइजरीज हैं उनका संदर्भ देते हुए कह रहे हैं, इन दीज एडवाइजरीज इट वॉज मेड क्लियर डेट एज पर सेक्शन 154(1) ऑफ CRPC अ पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर अ केस ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड FIR हैज टू बी रजिस्टर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि FIR चाहे थाना क्षेत्र का मामला हो या ना हो, रजिस्टर्ड होगी, बाद में उसको आगे भेज दिया जाएगा। इस एडवाइजरी में जो कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2015 को पुनः भेजा है, इसमें इन्होंने लिखा है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इट्स रिपोर्ट 2011-12 हैज़ रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट एक्शन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ
FIRs, right sir? इसके बावजूद भी हमारे यहाँ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, गोमती नगर के SHO साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको और देना चाहूँगा जो 0 FIR के संदर्भ में है। इसके संदर्भ में साहब क्या है, जो निर्भया कांड हुआ था 2013 में दिल्ली में, जिसमें एक बालिका के साथ गैंग रेप किया गया था और पूरे राष्ट्र में वो मामला छाया रहा बहुत अरसे तक, और अंततः उस पर बहुत ज़्यादा निर्भया कांड के बाद बहुत ज़्यादा करेक्शंस हुए थे और कानून में बदलाव लाए गए थे। तब ये जस्टिस वर्मा कमेटी एक बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश वर्मा साहब के अंडर में। उन्होंने जो आपराधिक कानून है उसके एक्ट में बदलाव, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में बदलाव की बात कही थी, और उस समय प्रोविजन ऑफ 0 FIR आया था। उस समय कहा गया था कि 0 FIR जो है, जिसके की प्रोविजंस के बारे में सारे पुलिस वाले हिलावाली करते हैं जैसे रवि के साथ की, तो इसको रोका जाए और 0 FIRs को रजिस्टर कराना आवश्यक, जस्टिस वर्मा साहब ने रिकमेंड किया था कि आवश्यक हो। अब इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट ये रहा कि इसके बाद ही केंद्र सरकार ने बार बार, एक नहीं कई बार, ये एडवाइजरी जारी करी कि आप किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी पीड़ित व्यक्ति को किसी थाने विशेष में, केवल इस आधार पर कि उस थाने का मामला नहीं है, FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकते हैं। मगर हो यही रहा है मित्रों कि FIR दर्ज नहीं हो रही है किसी भी सूरत में नहीं। तो मैं अब रवि से आपको पहले बात कर लेते हैं कि रवि अपनी अपना जो एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ इसको बताएंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो रवि ने मुझे जानकारी दी कि जब चीफ मिनिस्टर की जनहित याचिका पोर्टल से मामला थाना पहुंचा और थाने ने एक मिनट में त्वरित कार्रवाई करके बता दिया कि FIR दर्ज नहीं होगी, दिल्ली में दर्ज कराई जाए, ऐसी हिदायत इनको दी गई है। तो रवि जोशी ने फिर दोबारा जनहित पोर्टल में अपनी समस्या को डाला और बताया, वहाँ पर एक रेटिंग सिस्टम है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो इनका एक्सपीरियंस नीलबट्टा सन्नाटा था, तो इन्होंने वो नीलबट्टा सन्नाटा भी जनहित याचिका में भेजा अपनी रेटिंग में कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर उसके बाद जनहित याचिका पोर्टल, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पोर्टल, इस बारे में खामोश हो गया है। और रवि कहते हैं कि साहब कोई सुनवाई नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर उपलब्ध नहीं है जहां आप ये कह सकें कि साहब ये तो देश का कानून है कि 0 FIR 0 PSR हम दर्ज करा सकें। तो रवि अब आप इस मैटर में संक्षेप में जरा बताएं, देश को बताएं कि क्या है। इसके बाद मैंने जो है ना यूपी गवर्नमेंट की एक ऐप भी है जिसमें आप जो है ना साइबर क्राइम के अपराध हैं और इस तरह के जो अपराध हैं आप उनकी क्या कहते हैं यूपी कॉप करके, उस पर भी मैंने अपनी बात रखी और मैंने निवेदन किया कि मेरी 0 FIR की जाए, लेकिन इस पर भी जो है ना कोई रिप्लाई नहीं आया। एक नंबर आ गया और उसके बाद FIR हुई नहीं हुई बात अगर करना चाहें इस संदर्भ में तो किससे करें, इसका भी नंबर नहीं है। वही पुलिस स्टेशन का नंबर है, उन्हीं पुलिस अधिकारियों का नंबर है जो पहले ही मना कर चुके थे कि आपके FIR नहीं हो सकती है। तो पूरा रिस्पांस जो पुलिस विभाग से, उनकी तमाम ऐप्स, मतलब मैंने हर जगह ट्राई करके देखा, मैंने थाने में भी गया, अप्रोच से भी गया, सीधे भी, मतलब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी गया, और ऐप के थ्रू भी मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, सारे माध्यम यूज़ किए, लेकिन जो रिज़ल्ट मिला वो टोटल नील बटा सन्नाटा। मतलब कहीं से आप किसी की जवाबदेही तय अगर करना चाहें तो, इवन मैंने लेटर भी लिखा SSP को, लेटर भी लिखा मैंने कि मेरी ऐसी ऐसी कंप्लेन है, अगर आप आदेश कर देंगे तो मेरी 0 FIR हो जाएगी, मुझे भटकना ही नहीं पड़ेगा। क्राइम हुआ मेरे साथ बैंक डिफॉल्टर और जिसने किया वो डिफॉल्टर, और भागना दौड़ना मुझे पड़ रहा है। मतलब मैं रात में ट्रैवल करके, मतलब सुबह दिल्ली पहुंचूं, फिर मैं अपना काम छोड़ के आऊं जो मैं कर रहा हूं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मित्र पुलिस का सहयोग मित्रतावत मिल नहीं पाया, इसके लिए मुझे अंततः फिर ये वीडियो का माध्यम, मतलब आदित्यनाथ जी तक पहुंचने का ये माध्यम खोजना पड़ा। तो आपने रवि की बात सुनी, अब आपको एक मज़ेदार बात और बताऊँ। मज़ेदार क्या है, मतलब तथ्य है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवभूमि उत्तराखंड के मूल वासी हैं, वहाँ से आते हैं, उसी प्रकार के लखनऊ के SSP साहब भी, जिनको बड़ा कर्तव्यनिष्ठ SSP माना जाता है और कहा जाता है बड़े ईमानदार पुलिस कप्तान हैं, वो भी मूल रूप से उत्तराखंड के हैं। मगर यहाँ इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड मूल के ही रवि जोशी भटक रहे हैं दर दर FIR के लिए।
मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिमला रावल और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। मैं जजमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द सुप्रीम कोर्ट इन विमला रावल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट हैज हेल्ड इट इज क्लियर दैट द लॉ इज दैट पुलिस कैन रजिस्टर एन FIR ऑफ कमीशन ऑफ अ कॉन्जनेबल क्राइम बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि पुलिस FIR को दर्ज कर सकती है और FIR दर्ज होने के बाद इफ ऑन स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट क्राइम वॉज नॉट कमिटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन बट वॉज कमिटेड विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सम अदर पुलिस स्टेशन द FIR शुड बी ट्रांसफर टू दैट पुलिस स्टेशन। यदि पुलिस FIR दर्ज करने के बाद ये पाती है कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है तो वो उसको दूसरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर सकती है। यही कंसेप्ट है 0 FIR का। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आगे कहा गया है, However, if at the time of registration of FIR itself, it is apparent on the face of it that crime was committed outside the jurisdiction of police station, the police after registration of FIR should transfer the FIR to that police station for investigation. Normally, a 0 FIR is registered by police in such cases and after registration of FIR, the FIR is transferred to the concerned police station. यानी कि जब पीड़ित व्यक्ति कंप्लेंट लेकर थाने पहुंचता है किसी भी थाने देश के और पुलिस ऑफिसर कंसर्न को उस समय पता होता है कि ये FIR का मामला मेरे थाने का नहीं है तो जैसे रवि जोशी साहब को हिदायत दी है थाने से वो हिदायत देना उनका अधिकार नहीं है, उनका कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि आप FIR को दर्ज करें, यह जानते हुए भी ये आपके यहाँ का मामला नहीं है, आपके प्रदेश का मामला नहीं है, आपका कर्तव्य है IPC के तहत आप FIR दर्ज करें और जहां का भी मामला है वहां FIR ट्रांसफर कर दें। तो मित्रों, आदरणीय योगी जी तक, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी आवाज पहुंचे, इसलिए वीडियो हम जारी कर रहे हैं। हम इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी PMO की वेबसाइट में जारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस अधिकारी जो उपलब्ध है फेसबुक में, चाहे वो SSP लखनऊ साहब हैं, चाहे वो DGP साहब हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि रवि जोशी को इसका न्याय मिले और इनकी FIR दर्ज हो और वो FIR चाहे फिर प्रीतमपुरा नई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाए। इसलिए मैंने रवि जोशी को ये समझाने का प्रयास किया है कि जो कानून में आपको अधिकार हैं आप उनके लिए लड़िए। आप क्यों दिल्ली आकर FIR दर्ज कराने के लिए प्रीतमपुरा थाने में जाएँ, आप अपनी FIR वहीं दर्ज कराइए जहाँ इस समय आप लखनऊ में रह रहे हैं। दूसरा हमारा प्रयास ये है, दूसरा प्रयास नहीं, दूसरा हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में जो तेज़ी और जो पेच योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालने के बाद कसे थे वो अभी भी कसे हुए हैं या वो ढीले पड़ गए हैं और 0 FIR होती है या नहीं होती है। तो देखिए, मैं आपसे दोबारा इस बारे में एक हफ्ते के अंदर मुखातिब होऊंगा ये बताने के लिए कि इनकी आवाज़ जो है वो नकार खाने में तूती साबित हुई या उस पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर, SSP लखनऊ के स्तर पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। और SHO श्री सोनकर जी को, मेरी समझ से जो SHO गोमती नगर हैं श्री सोनकर जी और एक सज्जन जिनकी की रिकॉर्डिंग हम आपको प्ले करके इस वीडियो में दिखा रहे हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं 0 FIR पर पुलिस अधिकारी, उनके बारे में भी और इस प्रकार के सभी थानाध्यक्षों के बारे में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई प्रशिक्षण शाला चलाती है या नहीं चलाती है, जैसे उनको पता चले कि 0 FIR करना उनके दायित्वों में आता है, ये पीड़ित का अधिकार है और उनका कर्तव्य है कि वो उसको रजिस्टर करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। हेलो, हाँ ये बताइए जी सर, ये दिल्ली संबंधित तो यहाँ से कोई कुछ थोड़ी होगा, वहाँ दरखास्त दिल्ली में दीजिए, वहाँ जो संबंधित थाना पड़ता है, समझ रहे हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ दिल्ली में दीजिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि 0 FIR तो की जा सकती है ना, क्योंकि साइबर क्राइम का मामला है। अरे किसने बता दिया? हाँ जी, किसने बताया आपको? सर बताया किसी ने नहीं, पत्रकार, मैंने एक तो नेट पे पढ़ा था और मैं पहले मतलब ये नौकरी करने से पहले पत्रकारिता करी हुई है, मैंने मतलब पढ़ी है, पत्रकारिता भी पढ़ी है और करी भी है।
पत्रकारिता का पढ़ा जाता है सर, पढ़ लेते हैं सर कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। क्या पाया था आप जानते नहीं है क्या पाया जाता क्या होता है, जहाँ संबंधित है तो वहाँ होता है। समझ रहे हैं, तो वही दिखा दीजिएगा यहाँ से। हाँ जी हेलो, हेलो हेलो हेलो